Hi friends, this is Ritz Kitchen. Today I am making काली मिर्च चिकन. बहुत टेस्टी है, बहुत ईजी है बनाना, तो आज फॉलो कीजिए. आज मैंने लिया है 3 चॉप्ड छोटे अनियन, क्लोव्स, हरी मिर्ची 2, काजू, कैशनट 100 ग्राम, 100 ग्राम दही ली है मैंने कर्ड, ग्रेटेड जिंजर 1 टीस्पून, ग्रेटेड गार्लिक 1 टीस्पून और 3 से 4 छोटी इलायची एंड काली मिर्च ड्राई फ्रेश. आज हम बनाने जा रहे हैं काली मिर्च चिकन, जिसमें हमने एक फ्राई पैन लिया, उसमें 1 ग्लास पानी डाला और ये हमने हाई फ्लेम पे छोड़ दिया. बॉयल आने पे इसमें 2 से 3 जो हमने काटे हुए चॉप अनियन है वो डाल देंगे. इसमें हमने हरी मिर्ची ऐड की 2. इसमें बॉयल आने वाला है और इसमें हमने 100 ग्राम जो कैश्यू नट लिए थे हम वो ऐड कर रहे हैं ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए और थोड़े सॉफ्ट हो जाए. फिर उसके बाद हम इनको पूरा ग्राइंड करेंगे. एकदम महीन पीसना है इसको हमने अच्छे से ग्रेवी के लिए. तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा बॉयल आना शुरू हो गया है. अब हमारा वो बैटर बन चुका है, अब हम उसको साइड करते हैं ग्राइंड करके. अब हमने एक कढ़ाई ली हाई फ्लेम पे, जिसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला. खाली बटर नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो जल जाता है, तो थोड़ा सा देसी घी ऐड करना है इसमें ताकि अच्छे से गर्म हो जाए, नहीं तो वो जल जाएगा अगर हम लोग खाली वो डालेंगे तो बटर. अभी गर्म होने पे मैंने इसमें 3-4 क्लोव्स और छोटी इलायची हरी वाली 4 ये ली और मैंने डाल दी. थोड़ा सा रोस्ट होने पे मैंने इसमें वो जो जिंजर है 1 टीस्पून वो ऐड किया और गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून. ये दोनों को अच्छे से रोस्ट करना है रेड होने पे, हल्का सा ब्राउन होने पे. देखिए आप खुशबू भी आने लगी है. अब इसमें मैं डालूंगी जो हमने प्याज, हरी मिर्ची और काजू की पेस्ट बनाई थी बॉयल करके, अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी. ये हमारी वाइट ग्रेवी है, देखिए इसको हमें बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, वाइट वाइट रखना है ताकि हमारे जो ये काली मिर्च चिकन है वो रेडिश में ना आए. आपने बाज़ार में देखा होगा वाइट मिलता है, क्रीमिश कलर, तो ये हमारा वही बनेगा. अच्छे से भूनना है जैसे हम तड़का लगाते हैं, अच्छे से फ्रेश करना है. अगर इसमें लग रहा है थोड़ा सा चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए या थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ये थोड़ा चिपक रहा है. इसको अच्छे से भूनना है, इसका कलर चेंज ना हो इसलिए इसको हिलाते रहना है. काजू है इसलिए ये लग रहा है नीचे, बट अगर आप हिलाते रहेंगे तो ये लगेगा ना. तो इसको कंटिन्यूसली आप लगाते रहें, चलाते रहें और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे. तो देखिए ये लग नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे भूनेंगे. ये देखिए थोड़ा सा ऑयल छोड़ना शुरू हो गया, इसको 5 से 7 मिनट हिलाते रहेंगे. अब मैं इसमें फुल चिकन ऐड कर रही हूँ, बोन वाला 1 kg मैंने क्वांटिटी ली है. 1 kg चिकन विद बोन इसको मैं डाल रही हूँ. ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसको अच्छे से हिलाना है. तो 8 से 10 मिनट तक अच्छे से हिलाते रहेंगे और इसमें धीरे धीरे पानी भी ऐड करना है और जो मैंने कर्ड ली है वो थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद मैंने उसको कर्ड को ऐड करना है. तो अभी मैं थोड़ा सा इसको मिक्स होने देती हूँ. इसको 5 से 6 मिनट्स ऐसे ही हिलाते रहना है. ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है मसाला इसके अंदर, प्याज का और काजू का पेस्ट जो है हमने बनाया था वो चिकन के अंदर लटपटा बन गया है. देखो अब इसमें मैं ऐड करूँगी कर्ड, जो मैंने 100 ग्राम कर्ड ली है तो मैंने इसमें ऐड कर दी और इसको अच्छे से मिलाना है.
और स्लो फ्लेम पे खिलाते रहें ताकि ये जले ना और मसाला पूरा मिक्स हो जाए चिकन के अंदर। तो 5 to 6 मिनट मैं हिला रही थी। अब आपने इसको 5 to 6 मिनट हिलाने के बाद एक चम्मच मैंने इसको एज अ टेस्ट सॉल्ट डाला, वन स्पून हाफ स्पून हो। अब इसमें देखिए मैंने इसको 5 to 6 मिनट्स और पकाया अच्छे से, थोड़ा सा गलने शुरू हो गया है। अब इसमें मैंने सिनेमन डालना है, पिंच ऑफ सिनेमन और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। फ्रेश ब्लैक पेपर पाउडर ले लोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, नहीं तो आप बाज़ार में जो MTH वगैरह का पेपर पाउडर आता है वो। मैंने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, अगर बहुत ज़्यादा तीखा खाते हो तो यू कैन ऐड मोर, अदरवाइज हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर बहुत है। अब इसमें हमने कोरिएंडर पाउडर डालने हैं 2 चम्मच, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, और अच्छे से इसको हिलाना है। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हिलाते रहना है, धीरे धीरे ये गलता जाएगा और इसमें मसाला मिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको मिनिमम 25 to 30 मिनट लगते हैं प्रॉपर बनाने में। हाफ टी मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, जिसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत पक रहा है, ये जैसे स्किन इसकी छोड़ रही है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए सूखी कसूरी मेथी जो मैंने भून के रखी हुई है उसको क्रश करके डालना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत सुंदर लगता है। ये आपको बहुत थिक लगने लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने काफ़ी लो फ्लेम पे बना रही हूँ। ऑलमोस्ट रेडी है, इसको 5 to 6 मिनट्स और मैंने पकाया। अब मैं इसमें 1 चम्मच क्रीम डालूँगी, सिर्फ 1 टीस्पून डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं क्रीम। ऑलरेडी हमने इसमें काजू डाला हुआ है, बहुत अच्छी ग्रेवी बन गई। देखिए क्रीम डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं रखना है, इसको 5 से 7 मिनट और रखेंगे ढककर, और ये बहुत अच्छा फ्लेवर और तब तक गल भी जाएगा। इसको 5 to 7 मिनट्स हो गए हैं, अब देखते हैं हम इसको। देखिए बहुत खुशबू आ रही है, और हम इसमें ऐड करेंगे 1 लेमन जो मैंने स्क्वीज करके रखा हुआ है। 1 लेमन ऐड करने के बाद अब हम इसको 2 मिनट और घुमाएंगे और बंद कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर लेमन के बाद रखते नहीं है, कड़वा हो जाता है। तो देखिए ये ऑलमोस्ट गल चुका है और बहुत अच्छा है, काली मिर्च चिकन बना है, मलाई भी नहीं है इसमें, ज़्यादा क्रीम भी नहीं है, बट इट्स लुक लाइक क्रीमी, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये बहुत हेल्दी भी है। चिकन रेडी है और इसको अच्छे से खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रिट्स किचन, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।